Now coming to question number 2. Consider the following parallelogram. Find the value of x, y, z. ये हमारा फिगर है, इसमें हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हमें गिवन क्या दिया हुआ है? अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड डी इक्वल्स टू 100 डिग्री. एडजेसेंट, अभी हमने पढ़ा था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री के होते हैं. दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो हमारा एंगल ए है जेड प्लस एंगल बी है 100 equals to 180 degree. That means z equals to 180 minus 100. So हमारा z आ जाएगा 80 degree. Now parallelogram के opposite angles भी equal होते हैं. So in a parallelogram opposite angles are equal. That means angle C equals to angle A. So हमारा angle C क्या था? X और angle A है Z. So X equals to Z और हमारा Z कितना आया? 80 degree. That means X is also 80 degree. Now angle D equals to angle B. जो ये एंगल डी है ये बी के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो वाई इक्वल्स टू 100 डिग्री. देयरफॉर हमारा एक्स आ जाएगा 80 डिग्री, वाई आ जाएगा 100 डिग्री एंड जेड आ जाएगा 80 डिग्री. Now coming to part second. Part second में हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है. So let the parallelogram be A B C D. So in parallelogram, adjacent angles are supplementary. So angle A plus angle D equals to 180 degree. So angle A is 50 degree and angle D is X equals to 180 degree. So X equals to 180 minus 50 degree. That means angle X equals to 130 degree. Now angle B plus angle A equals to 180 degree. So angle B is y, angle A is 50 degree equals to 180 degree. Then y equals to 180 degree minus 50 degree. So हमारा y भी आ जाएगा 130 degree. Now हमें z find करना है. Also opposite angles of parallelogram are equal. So हमारा x था 130 डिग्री, y था 130 डिग्री और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दैट मींस एंगल A जो है वो इसके इक्वल होगा. सो इट इज 50 डिग्री. सो एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल A. दैट मींस एंगल DCB equals to 50 degree. Now
इसको हम ओ नाम दे देते हैं. डी सी ओ इज अ लाइन, सो एंगल डी सी बी प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक लाइन है और ये लीनियर पेयर बना रहा है, इसलिए डी सी बी प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. सो हमारा डी सी बी था 50 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो हमारा जेड आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो जेड इक्वल्स टू 130 डिग्री. देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल z इक्वल्स टू 130 डिग्री. नाउ कमिंग टू पार्ट 3, हमें x फाइंड करना है, y फाइंड करना है और z फाइंड करना है, और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है. दैट मीन्स एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे. नाउ एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम ले लेंगे ये एंगल y, एंगल x और 30 डिग्री, सो ये एक ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल y हमें फाइंड करना है, एंगल x हमारा 90 डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो y प्लस 90 प्लस 30 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो हमारा y आ गया 60 डिग्री और हमारा x आ गया 90 डिग्री. नाउ हम z फाइंड कर लेते हैं. सो एंगल z इक्वल्स टू एंगल y, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. सो एंगल z इक्वल्स टू 60 डिग्री. Therefore, x equals to 90 degree, y equals to 60 degree, and z equals to 60 degree. Now coming to part 4. Part 4 में भी हमें x की value find करनी है, y की value find करनी है, z की value find करनी है. So here, a की line पे angle बन रहे हैं. So, angle z equals to 80 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. जो ए की लाइन पे एंगल बनते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो हम एंगल जेड को एंगल 80 भी बोल सकते हैं ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो हमारा एंगल जेड आ जाएगा 80 डिग्री. नाउ एंगल एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 80, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 100 डिग्री. नाउ एंगल y इक्वल्स टू 80 डिग्री. देखिए जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देयरफॉर एंगल x 100 डिग्री
angle Y 80 degree and angle Z is also 80 degree. In this figure we have to find X, Y and Z. देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो एंगल y इक्वल्स टू 112 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो हमारा एंगल y क्या आ गया 112 डिग्री. नाउ हम इस फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल y प्लस x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ एंगल y का हमारा 112 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 112 एंड 40 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 152 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इक्वल्स टू 180, 152 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे. सो प्लस का 150 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का 152 हो जाएगा. सो हमारा x आ जाएगा 180 में से 152 को डिडक्ट कर देंगे तो आएगा 28 डिग्री. सो हमारा एंगल x कितना आ गया 28 डिग्री. नाउ ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों. सो Z equals to X equals to 28 degree because alternate angles. So हमारा Z कितना आ गया 28 degree. Therefore X equals to 28 degree, Y equals to 112 degree and Z equals to 28 degree. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.